हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी शिविर कृति। आज का वीडियो ना ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है, स्पेसिफिकली अगर आप एक स्टूडेंट कमिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब से कोरोना में इंडिया की एंट्री हुई है, कैसे हम सभी की लाइफ लाइक एज अ स्टूडेंट वी ऑल गेट अफेक्टेड, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या इसके प्रोज हुए हैं, क्या कॉन्स हुए हैं। क्योंकि आपको ये पता है, जब भी कोई सिचुएशन आती है, कोई भी इवेंट होता है, उसके फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, और अगर नुकसान होते हैं तो फायदे भी होते हैं। अभी आपको कैसे देखना है वो आप पर डिपेंड करता है। यू आर कलेक्टिंग नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम इट और पॉजिटिव। इस वीडियो को बनाने से पहले आई डिड पोल ऑन टू माय इंस्टाग्राम, आई डिड पोल ऑन टू माय फेसबुक पेज, आई डिड पोल ऑन टू माय कंप्लीट ऐप एंड देन ओनली आई एम मेकिंग अ वीडियो। तो आप ये कह सकते हो कि भले आवाज मेरी हो, शब्द आपके होने वाले इस वीडियो में। Let's get started with our video into which I'll be telling you that how corona affected student community or like what are the cons and pros of being student during COVID-19. सबसे पहले मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स में से कॉन्स बताना चाहूंगी, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स बताना चाहूंगी फॉर बीइंग स्टूडेंट इनटू दिस कोविड-19 पैंडेमिक। पैंडेमिक के आने के बाद से हम सभी के स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए। लाइक मेनी ऑफ यू माइट बी इन अ स्कूल एंड कई सारे कॉलेज जाते होंगे, एंड उनमें से ऐसे भी होंगे जिन्होंने स्कूल तो मिस किया ही है और कॉलेज भी मिस कर रहे हैं। लाइक क्लास 12th वाले जिन्होंने अपना 12th पास आउट किया और उसके एग्जाम्स सब उन्हें पता नहीं है, कॉलेज इनको जाने मिलना है वो भी पता नहीं है, लाइक एक साल पूरा निकल गया है। सो दिस इज समथिंग दैट्स मेकिंग देम लाइक वेरी बैड फॉर पर्टिकुलर सिचुएशन। क्योंकि आप ये सोचो, एक जो बच्चा कॉलेज जाने के इतने सपने लिखता है वो एक साल घर में बैठे ही गुजार दे, तो उसकी आधी कॉलेज लाइफ तो ऐसे ही निकल गई। दूसरी चीज ये है, एवरी स्टूडेंट वॉन्ट स्पेस। दिस इज दिस एज आई एम टॉकिंग अबाउट द एज ऑफ 17 to 20। इस एज के स्टूडेंट ज्यादातर स्पेस मांगते हैं, दे वॉन्ट दैट कि दे डू नॉट गेट इंटरप्शन ऑफ समवन कि तुम ये करो तुम वो करो, दे नीड देयर स्पेस जहाँ पे वो खुल के अपने काम कर सके जो उन्हें अपने लिए करना है। हमारे प्राइवेट स्पेस पे कहीं ना कहीं अटैक हुआ है। दिस इज द थिंग दैट वन ऑफ माय स्टूडेंट आंसर्ड मी व्हेन आई आस्क्ड दैट कि कॉइंस क्या हुए। उसने बताया कि शी यूज्ड टू लिव इन अ हाउस जहाँ पे एक ही रूम में दो दो तीन तीन उसके भाई बहन शेयर करते हैं। अभी दो तीन भाई बहन एक ही रूम को शेयर करेंगे तो कुछ भी अगर वो फोन में कर रही है तो ऑफकोर्स सामने वाला आएगा, दे विल आस्क दैट व्हाट आर यू डूइंग, इफ यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम फेसबुक एनीथिंग, दे विल पॉइंट आउट, मम्मी से कंप्लेन कर दो। एंड यू नो वेल कि पेरेंट्स जो है दे आर वेरी स्वीट, ठीक है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट देम, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि समवेयर दे गेट अनोयड विद द नेचर व्हेन यू आर कंप्लीटली ऑन योर फोन, ठीक है, और आप भी अनोयड हो जाते हो क्योंकि जब वो आपको कंप्लीटली ताने देते हैं। लेकिन याद रखना, एक इंडियन फैमिली विदाउट ताने पॉसिबल होती ही नहीं है, वो अगर है तो आप घर में नहीं रहते हो। तीसरी चीज ये है, इन सब की वजह से हमें कहीं ना कहीं पढ़ाई की आदत छूट गई है, मतलब जो सिटिंग हैबिट पहले हुआ करती थी। पहले कम से कम इतना तो था ही कि हम अच्छे से पढ़ लेते थे, मतलब आपको पता है कि कल आपके क्लास में टेस्ट होने वाला है, यू नो दैट यू आर गोइंग टू हैव एन एग्जाम नेक्स्ट डे, यू विल एटलीस्ट सिट एट अ प्लेस एंड आप पढ़ोगे। अब उसकी वजह से पढ़ने की आदत भी छूट गई, सारी चीजें हमारे फोन पर शिफ्ट हो गई है, फोन पर पीडीएफ आएगा, फोन पर स्टडी मटेरियल आएगा, फोन पर डिस्कशन होगा, फोन पर असाइनमेंट जाएंगे, एवरीथिंग। सो वी डू नॉट हैव हैबिट ऑफ अ सिटिंग एट अ प्लेस एंड हम किताबों से पढ़ रहे हैं, हालांकि ऑल वी मिस दैट बुक रीडिंग जहां पे हम बैठ कर पढ़ा करते थे, अपने दोस्तों के साथ चीजें डिस्कस किया करते थे, हम हाथ में पेन लेके लिखा करते थे। ओ मैन, व्हाट्स दैट पेन वाला थिंग, अभी तो वो भी नहीं पता है कि मैंने कितने टाइम से नहीं लिखा है। दिस इज द कंडीशन ऑफ माइंड ऑल्सो, आई नो दैट कि हाउ आई गॉट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस, आई यूज टू राइट अ लॉट, बट उसकी वजह से लाइक जब से ऑफलाइन क्लास की वजह हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई है, लिखने का झंझट ही खत्म, केवल लिखना होता है एग्जाम के टाइम पे। और इसका चौथा कॉन्सिक्वेंस हमारा सबसे बड़ा हुआ है एग्जाम्स पे। जिन बच्चों को अपने एग्जाम्स रिटन फॉर्म में देने होते हैं, आप उनसे पूछिए जिन्होंने साल भर से नहीं लिखा है, इवेंचुअली आपको जो है आपके एग्जाम के टाइम पे लिखने को मिले तो 3 घंटे भी आपको कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जो आपकी राइटिंग हैबिट है ना वो एकदम स्लो हो चुकी है, यू आर अनएबल टू कम्प्लीट योर पेपर विद इन अ टाइम। एंड दिस मोस्टली हैपन विद द कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल वालों के साथ तो फिर भी नहीं, लेकिन कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। कॉलेज में बच्चे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के टाइम पे लिखते हैं, और अगर ऑफलाइन हमारी क्लासेस चलती तो हाँ क्लास में भी लिखने को मिलता, असाइनमेंट्स लिखने को मिलते। अभी सारे असाइनमेंट्स टाइप हो गए, सारी जो चीजें हैं वो टाइप हो गई, केवल एग्जाम जो है वो आपको ऑनलाइन लिख कर देने होते थे। लाइक डीयू में तो ऐसा ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज भी है जिन्होंने एमसीक्यू वाला पैटर्न अपनाया, तो बच्चों को केवल सिलेक्ट करना है, उनका तो लिखने का झंझट ही नहीं, और जब भी वो लिखेंगे ना उनके हाथ बड़े दुखने वाले हैं। फिफ्थ थिंग, एज फार एज आई एम गेसिंग दैट ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ
यू माइट हैव गॉन थ्रू एंजाइटी और डिप्रेशन. दिस इज समथिंग दैट हैपेंड. एंजाइटी एंड डिप्रेशन बिकॉज ऑफ नॉट शेयरिंग द थिंग्स विद अदर्स. Anxiety and depression because the thing that you are having no one is able to understand. Anxiety and depression because जो gradually आपके दोस्त थे वो दूर हो गए, आपको लोगों के true colors दिखने लगे. ये बहुत सारी चीजें हुई हैं. And sixth thing, आपको पता होना चाहिए कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का दिमाग होता है. Most important thing, professional overthinker. I believe that the most of us have turned into professional overthinker. बेफालतू में किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हैं. ये thoughts आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं. इनको कैसे रोकें? How to stop these? What to do? I'll tell you later into this video. Now let's talk about the pros. अच्छी चीजें क्या हुई? अच्छी चीजें ये हुई है, सबसे पहली बात हमने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया. जो हम इतनी फास्ट लाइफ में मूव कर रहे थे ना, we talked about wait a minute, ये हम कर क्या रहे हैं, ये चल क्या रहा है, why I'm pursuing this particular course, why I'm giving my votes. बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आई. And on to that basis हम ये इंटरप्रेट कर पाए कि actually we need to stop. We need to think about कि हम करना क्या चाहते हैं. दूसरा, कई सारे लोगों ने अपना पैशन ढूंढ लिया, उनको पता चल गया कि एक्चुअली फॉर व्हाट दे आर मेड अप. वो गलत ही डायरेक्शन में जा रहे, वो कर रहे थे जो उनको आसपास के लोगों ने बोला था. और जब आसपास के लोग आपको कुछ करने को बोले ना, उनके इन्फ्लुएंस में हो कि आप कुछ काम करो, वो काम में आपको इंटरेस्ट नहीं लगता, वो एक बोझ लगता है जो बस करना है और करते जाना है. थर्ड थिंग, You actually might have understood that कि कौन आपका दोस्त है और कौन नहीं है. That's the best thing happened. और शायद अब आपको इंसान की परख भी हो गई होगी. अगर नहीं हुई है तो प्लीज करना सीखो यार. इंसान की परख होना जरूरी है. You know what? Whenever we talk about friends, घर में ना एक अलग ही माहौल होता है दोस्तों को लेके. जब आपकी दोस्तों से ज्यादा बनती है ना, फैमिली भी लाइक कि हम भी तो वही करते हैं. Why you like your friends so much? Why not us? Actually, family की जगह अलग होती है, friends की अलग होती है. Friends are just like because they are of our age, so they understand the thing. But मैं एक बात कहूँगी, दोस्त बहुत सोच समझ के बनाओ. दोस्त उस basis पे बनाओ कि like हर इंसान को close लाने का हो, किसी के साथ भी कोई relation build up करने का, चाहे वो family type of relation हो, किसी भी type का relation हो, दोस्ती का relation हो, build up करने के लिए ये जरूरी है आप ये पहचानना सीख जाओ कि वो इंसान अच्छा है या नहीं है. अगर वो इंसान अच्छा है तो वो आपसे दूर रहकर भी आपने जो उसके साथ अपने दुख में चीजें शेयर की थी ना, वो सबको नहीं बताएगा. बिकॉज दैट पर्सन इज अ गुड पर्सन एंड गुड पर्सन नेवर डू दिस, वेदर दे आर विथ यू और दे आर नॉट. इट्स ऑल अबाउट कि अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर सकती तो मैं आपके साथ बुरा भी नहीं करूंगी. दैट्स व्हाट वी नीडेड. एंड इसी के बेसिस पे आप अच्छे दोस्त बना सकते हैं. एंड आई थिंक आपने बनाए होंगे. फोर्थ थिंग, कई सारे लोगों ने फ्रीलांसिंग सीखी, कई सारे लोगों ने इंटर्नशिप की, कई सारे लोगों ने जो है वो नए नए कोर्सेस की. एंड फ्रॉम दैट दे अर्न. बहुत सारे लोगों ने अपने इंस्टाग्राम पेजेस बनाए होंगे, बहुत सारे लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल बनाए होंगे, बहुत सारे लोगों ने बहुत नई नई चीजें की होंगी, बहुत सारे लोगों ने कॉन्टेंट क्रिएटर बन गए, बहुत सारी चीजें. एंड फिफ्थ थिंग, वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक पर्सनली मैं कहूँ तो मैंने फोटोग्राफी सीखी, मैंने एडिटिंग सीखी, मैंने थंबनेल कस्टम करना सीखा, मैंने वीडियोस की कंटेंट क्वालिटी कैसे बढ़ाना है वो सीखा, मैंने ये सीखा कि जब आप गलत काम कर रहे हो तो कैसे आपका डाउनफॉल होता है, मैंने ये सीखा कि अगर डाउनफॉल होता है तो ऊपर कैसे जाना है. बहुत सारी चीजें हमने सीखी. और अगर आपको ऑब्जर्व करना है ना, प्लीज अपने लास्ट वन ईयर देखो कि आपने क्या नया सीखा. हो सकता है आपने अपने एंगर को कंट्रोल करना सीखा होगा, हो सकता है आपने अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना सीखा होगा, हो सकता है आप लास्ट ईयर डिप्रेशन में थे लेकिन इस बार उभर गए, हो सकता है कि आपने आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करना सीखी. दीज ऑल आर अचीवमेंट एंड प्लीज टेक देम ऑल एज अ पॉजिटिविटी. सो प्रोज एंड कॉन्स हर सिचुएशन के होते हैं, बट मेरा मानना यह है कि फिलहाल सिचुएशन को लेकर रोने के बजाय आप ये सोचिए कि हाउ मच बेटर वी आर. टॉक अबाउट दोज पीपल हु लॉस्ट देयर फैमिली मेंबर्स ड्यूरिंग दिस COVID-19 बैटल. Many of us lost their parents. Like I'm having my friends who lost their parents, grandparents, siblings into this COVID-19 battle, and they are helpless. But still they emerged, and when they emerged as the strongest. और ज्यादा कि उनमें और ज्यादा tolerance था, वो और ज्यादा situation को deal करने के लिए तैयार हो गए. डिफिकल्ट सिचुएशन आती क्यों है? आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो आती है. तो भाई स्ट्रॉन्ग बनो और सिचुएशन से सीखो, रादर देन इसको जस्ट पास आउट होने दो. लाइफ का एक बहुत ही सिंपल रूल है, लाइफ टीचेस अस लेसन रिपीटेडली अगर आप उससे कुछ सीखते नहीं हो. इस COVID-19 के आने के बाद भी अगर आपने कुछ चीजें ना सीखी होंगी और आपके साथ बार बार हुई तो वो रिपीट होती रहेगी. अंटिल अनलेस आप उनसे सीख नहीं जाते हो, देन लाइफ विल गिव यू अ न्यू लेसन. सो इम्पोर्टेंट ये है, गलती करो लेकिन सेम गलती बार बार मत करो. हमेशा नई गलती करो क्योंकि गलती करने से तो आप परफेक्ट बनते हैं. एंड परफेक्ट इज द पर्सन हु रिमेन्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. आई थिंक दैट दीज ऑल आर द थिंग्स
दैट वी हैव ऑल वेंट थ्रू. खाली समय अपना मत बिताना. लास्ट लेसन मैं आपको केवल इतना देना चाहूंगी इस वीडियो में दैट कि जो भी आपके साथ नेगेटिव सिचुएशन हो रही है उस नेगेटिव चीज को रिपीटेडली सोचना बंद करो. बिकॉज व्हेन वी थिंक समथिंग नेगेटिव रिपीटेडली हमारे फॉर्म्स, हमारे जो थॉट्स हैं वो भी वैसे ही फॉर्म हो जाते हैं. यू नो व्हाट इज थॉट? थॉट एक्चुअली वो होता है व्हाट वी फील, एंड ऑन टू आर फीलिंग्स वी बिल्ड अप आर थॉट्स. और वो थॉट्स फ्रीक्वेंसी लीड करते हैं. वो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पूरे बॉडी में जाती है. दैट फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ही हम अपनी वेव्स क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो उसी के बेसिस पे ऐसे कोई इंसान सिलेक्ट करता है कि यार मुझे उसके पास जाने से ना नेगेटिव वेव्स आती हैं, मतलब नेगेटिव वाइब्स आती हैं, मुझे उसके पास नहीं जाना है. ऐसे होता है. आई हैव सम पीपल जिनसे मैंने लॉकडाउन में डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे तो इनसे दूर ही रहना है. बिकॉज दे वर पुलिंग डाउन मी, दे वर नॉट अप्रिशिएटिंग माई वर्क, दे वर नॉट अप्रिशिएटिंग द थिंग दैट दे वर आस्किंग मी. दे कॉन्स्टेंटली वर पुलिंग डाउन मी. एंड इफ समवन इज पुलिंग डाउन यू, वेदर दे आर योर फैमिली मेंबर और अ फ्रेंड, आई थिंक यू शुड स्टे अवे फ्रॉम देम. क्योंकि आपका काम है आगे बढ़ना, ना कि पीछे खींचना. अगर कोई आपको पीछे खींचता है तो वो आपका है ही नहीं है ना, वो क्यों खींचेगा आपको? दे विल अप्रिशिएट यू आप जो कर रहे हो. तो हाँ, लेकिन कोई भी चीज है. एक और मैंने देखा है कि हम कहीं ना कहीं स्टब बोन हो गए, कई सारी ऐसी चीजें कर लेते हैं विच आर नॉट एट ऑल राइट. लाइक हम गलत चीजें भी कर रहे हैं बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू प्रूव दैट दोज आर रॉन्ग. एक बात अपनी लाइफ में गांठ बांध लो कि गलत चीज है तो गलत चीज है. अगर कोई गलत काम कर रहे हो तो उस चीज के पीछे कभी बहस मत करना. रियलाइज इट. और जब भी आपको रियलाइज हो कि यार ये मेरा डिसीजन गलत था, आई थॉट इन माई पीपल, मैंने गलत किया, आस्क देम सॉरी. That sorry can lit up or can dissolve your all the problems. So these are the lessons and pros and cons of being a student of this particular phase, COVID-19. इसकी वजह से आगे देखते हैं कि क्या होता है. कई सारे बच्चों ने अपना स्कूल यूनि पास कर लिया, स्कूल लाइफ मिस कर दी, आधे कॉलेज लाइफ जो है वो मिस हो गई. ऑल आर वेलकम टू शेयर योर ओपिनियन एंड कंसर्न इन टू कॉमेंट सेक्शन. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु also went through all the things that I just shared into this video. Hit the like button and comment below. Subscribe Strategy with Pratiju for more such kind of video content. We'll meet soon into our next video. Bye bye.